पारसनाथ पहाड़ के ठीक तलहट्टी में आज जो जनसैलाब उमड़ल है वो एक संदेश दे रहा है कि पारसनाथ पहाड़ जब भी अपन विधायक चुनल है, चाहे इतिहास में शेरे सिवा रहे टाइगर जगन्नाथ रहे या 2024 में 2024 में पारसनाथ पहाड़ के इतिहास रहा है। इसी विधानसभा से शेरे सिवा महतो को मौका मिला था, इसी विधानसभा से टाइगर जगन्नाथ महतो को मौका मिला था, क्योंकि ये पारसनाथ पहाड़ है और पहाड़ की तलहटी में पहाड़ के जंगलों में टाइगर और शेर ही शूट करते हैं। और डुमरी के डुमरी वासियों को मालूम है कि आज पूरे झारखंड में झारखंड की राजनीति का टाइगर कौन है। ये डुमरी वालों को बताने की आवश्यकता नहीं है, डुमरी को जानकारी है कि आज झारखंड में झारखंड की राजनीति में पॉलिटिक्स में टाइगर कौन। तो सबसे पहले जगना जान आटा ला जूटा ला, अभी विधानसभा के चुनाव एक से पहले जो वोट आलो अपना लोकसभा बोला लिया भी। आज से ठीक तीन महीना पहले, तीन चार महीना पहले यह मैदान में इसी प्रकार स्कॉर्पियो गाड़ी हला और इसने तोनी जमा हला, उस चुनाव के नाम लगले लोकसभा यानी एमपी के चुनाव। एमपी के चुनाव के मतलब है प्रधानमंत्री के चुनाव यानी देश भारत देश के चुनाव। और इस बार चुनाव भय लो इस चुनाव के नाम लगो विधानसभा चुनाव यानी एमएलए के चुनाव और ओकर संगे संगे राज्य के मुख्यमंत्री के चुनाव। यानी सबसे पहला बात हमने जानकारी रखना चाहिए कि आखिर वोट कहा व्यवहार, चूंकि आज तक हमने ठीक से जानकारी नहीं रखा कि वोट के व्यवस्था हमने देश में कहा है, आखिर कहे हमने वोट दे के अपन बीच से को बढ़िया नेता चुना है। देखा सबसे पहला बात तोहनियों के जानकारी हो, भारत देश में अंग्रेज आवे से पहले राजा के शासन रहा है। राजा के शासन के मतलब राजा के बेटा ही राजा बनते लो, राजा के मन लगते लो तो 40 को बेटी छुआ से ब्याह कर, राजा के मन लगते लो तो अपना जमीन ले लेते लो, राजा के मन लगते लो अपना जे सामान पसंद ला लो राजा लाइक को, यानी राजा के राज चल हला, राजा के आगे ककरो जोर ना चल हला। तो भारत देश जब आजाद भले अंग्रेज से, जब अंग्रेज हले अंग्रेज 300 साल शासन कर लाए, अंग्रेज से आजाद भलाए तो भारत देश एगो निर्णय लेलाए कि अब राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा, जो काबिल होगा इस देश में वही राजा बनेगा, उसी का नाम वोट है, उसी का नाम वोट है, ओकरे नाम वोट लगो कि जब काबिल हो जनता ओकरा अपन वोट से चुनतो और बदले में की करतो, बदले में वो जनता के सुख सुविधा के बात कर तो, इस राज्य के बेहतर विकास के बात कर तो, शिक्षा के बात कर तो, स्वास्थ्य के बात कर तो, रोजगार की बात कर तो, यानी जनता जगरा अपन बीच से यहाँ के विधायक चुनतो वो राजधानी में जाए के यहाँ के जो मुद्दा लगाए ओकरा सबसे पहले हाईलाइट करते ओकरा उठाते और उस मुद्दा के समाधान करे के कोशिश करते है। लेकिन आज 24 साल के झारखण्ड राज्य 24 साल में 24 प्रकार के नेता 24 प्रकार के विधायक मंत्री अलग, ऐसा बात ना है कि अपनी काम ना कर लाए, कर लाए लेकिन जितना उम्मीद हलाए उतना काम अपनी ना कर लाए। आज ओकरे परिणाम है कि आज 29-30 साल के लड़का सब झारखंड के राज्य में अपना जबर बदलाव आन के देखवल है, इटा ओकरे परिणाम। आज झारखंड राज्य के निर्माण में लाए कि अच्छा शिक्षा के व्यवस्था होता है। आज अगर डुमरी के बात करवाए तो डुमरी के पढ़ल लिखल भाई साहब बहन रहे या तो हजारीबाग जहाँ तो या तो बस पकड़ के धनबाद जहाँ तो, इसलिए डुमरी यानी झारखंड, डुमरी यानी झारखंड, झारखंड यानी डुमरी, यानी जे समस्या डुमरी के से समस्या झारखंड के। यदि हमने सत्ता में आवो या सरकार में आवोगे तो सबसे पहले डुमरी में शिक्षा के व्यवस्था, यहाँ विशेषकर जो टेक्निशियन के बात करा जाए तकनीकी सुविधा के बहुत अभाव है। डुमरी विधानसभा के अंतर्गत हमने तकनीकी से लेस विश्वविद्यालय महाविद्यालय रहे चाहे प्लस टू रहे, यानी ऐसा ऐसा विद्यालय विश्वविद्यालय के अपन दमखम से अपन सामर्थ्य से राजधानी से लाने के प्रयास रहता है, जनता डुमरी के जरूरत रहते है। तो हमने जब राजधानी में जीवे राज्य की राजधानी में तो डुमरी के जरूरत बेहतर शिक्षा के दुरुस्त करे खातिर, और में हमने कभी चुपचाप तमाशा ना देख पाए
क्योंकि हम भी एक पढ़ल लिखल किधर लागिए आज तो हमें जाना है जितना माय मौसी काकी जे भी आए हैं कि आज सभी ने अपन घर के किधर मुद्रो दो पैसा जोगाए के साग सब्जी बेच के छगरी पटरू बेच के दो पैसा जोगाए के राखा अपन किधर के हजारीबाग पढ़े ले भेजा अपन किधर के धनबाद पढ़े ले भेजा इस उम्मीद से पढ़े ले भेजा है कि बनता है कुछ करता है और अपन घर परिवार चलाता है। लेकिन आज कहानियों के मालूम हो कि आज झारखंड राज्य के शिक्षा व्यवस्था की हो तो हनी छोटे गरीब जगह स्कूल जाला तो शायद स्लेट लेके स्कूल जाला जाला कि नहीं स्लेट लेके सभी ने स्कूल जाला वह सबसे पहले की सिखाला सरकार के रोड पुलिस के डंडा मुर्गी के अंडा कुकुर के पोछे निको स्लेट लेके जाला ना। लेकिन आज तो हमने देख ले आज हमने घर एक किधर बोलते प्लेट लेके स्कूल जा एक समय स्लेट लेके जाओ आज प्लेट लेके जाओ कि मुर्गा क्या मने मुर्गी का अंडा मिलता है कि खिचड़ी मिलता है कि पाव रोटी मिलता है। अब देख एक में दोषी तोहनियो है जितना गार्जियन है तोहनियो दोषी है तोहर बच्चा के जन्मदिन अंडा ना मिलते सदिन मास्टरवा के तन तंतना के दरिया दबा कि मोजरा हमारे किधरवा के टिम्बा ना जले लेकिन तोहर किधर रिजल्ट फेल भतो तखन कोई गुस्सा ना जगेगा लेकर में रिस्पॉन्सिबिलिटी तोहनियो के लिए है तो इसलिए हमने एक बेहतर वातावरण तैयार करवाए चक्कर में किधर पुत्रों के पढ़ाई लिखाई में असुविधा ना हो। अब बात करा बगल में स्वास्थ्य केंद्र है टुमरी के यहाँ अगर कोई पढ़ा लो चाहे मंत्री रहे विधायक रहे सांसद रहे यदि वो बीमार भय जाए तो जाहिर सी बात है दिल्ली चल जाए कोई हैदराबाद चल जाए कोई गुजरात चल जाए लेकिन बताओ अगर कोई मंगरा बुधा शनिचरिया बुधनी अगर बीमार भय जाते तो अगर इलाज कहाँ में अगर इलाज के भी कोई चांस नहीं रहा छोटा बीमारी खातिर ओकर संघर्ष करे बाबा इसलिए यदि हमने आवे हो तो इस बात के प्रयास रहता है एक सार्थक प्रयास रहता है कि हर एक पंचायत स्तर में एक एक को MBBS डॉक्टर के साथ जो स्वास्थ्य केंद्र तैनात कर देता है ओकर में एक एक को MBBS डॉक्टर के उपस्थिति रहता है और तमाम डॉक्टर के एक सरकार के द्वारा हिदायत भी रहता है कि ड्यूटी पीरियड में आप किसी प्रकार का पर्सनल क्लिनिक ताप झाप नहीं करेंगे ड्यूटी ऑफ करने से पहले या तो ड्यूटी ऑफ करने के बाद आपको ये काम करना होगा। अब बात करा रोजगार के सबसे पहला बात पूरा 5 साल सरकार की कर लो न बहाली आ लो उस बहाली का नाम लग लो इंजीनियर के बहाली कहाँ पे हुआ है ना ब्लॉक में जेई जकरा बोला तो नहीं जाना था नरेगा का काम करा तो जेई 23 का हर एक ब्लॉक में जेई वगैरह है ला यानी इंजीनियर के बहाली आ लला है सरकार की कर लो 263-264 को सीट हला है ओकर में जो ओपन कोटा यानी 40% ओकर में 94 यानी 100 में 94 को नौकरी अपनी बाहर के लोग के लिए ओकर कुछ दिन बाद एक बहाली है लो उस बहाली के नाम लग लो तो जाके एग्रीकल्चर ऑफिसर ओकरो में है हाल कर लो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है लोकर में 67 में अपनी बाहर के लोग के दलो और अभी तो नहीं मोबाइलिया में देखिया हेल्थ ऑफिसर बन गया तुम लगभग 570-580 को हेल्थ ऑफिसर के मतलब जब दवा देखा तुम मरीज देखा तुम इलाज उलाज के काम काज में हिंदे जा तुम अगर हेल्थ ऑफिसर बोला जाए यानी एक तरह से छोटे मोटे डॉक्टर बोलिया। आज झारखंड में लगभग अस्थाई नहीं सही लेकिन 550 को से ज्यादा ऑफिसर के बहाली भलो ओकर में 150 को केवल राजस्थान के बता तकलीफ लगतो कि नहीं लगते यह डुमरी रोड हमें अगर नाम गिनवो तो बिहान से सांझ भई तो इतना लोग अपन जान दलाए इतना लोग अपन बलिदान दलाए और इतना लोग अपन केस खेल यह डुमरी रोड यह निमिया घाट यह पोड़ैया यह तो लाल बाजार और धीरे धीरे उपचाची कोवापुर सिंगड़ी सतकीरा यानी रोड में हमने के बाप दादा गमछा बिछाई के चीड़ा खजारी लेके रोड में जाम कर दे करा ले कि नहीं कहे ना एक को डिमांड हला कि हमने के अलग झारखंड राज्य चाहिए हमने के अलग झारखंड राज्य चाहिए। आज भी बहुत सारा आंदोलनकारी इसी भीड़ में बहुत सारा आंदोलनकारी हो जो जानो हो कि झारखंड राज्य कैसे ले लिया गया अपनी के पूछवा बताए तो कि जब पुलिस आवा हला है लाठी मार हला है तो मार के पीठे के चाम छाल दे हला जब पीठे हला तो मार के चुद्रवन के चाम छाल दे हला यानी कितना दुख के बाद हमने झारखंड राज्य बना लिए और 150 को नौकरी राजस्थान के लड़का लड़की करता है तो कौन झारखंड के तकलीफ ना है हमें यह दिन
हमने बाप दादा झारखंड राज्य नहीं बनवाल है। आज यह दिन खातिर हमने बाप दादा झारखंड राज्य नहीं बनवाल है। आज डुमरी प्रखंड के बात रहे या बगोदर के बात रहे या किशुनगढ़ के बात रहे या नवाडी के बात रहे या कोचाची प्रखंड रहे या पीरसाई प्रखंड रहे, हर एक गांव में तुम्हें पाई बा कि 15 और 20 को लड़का मुंबई में रहो, गुजरात में रहो, केरल में जाके रहो, गुजरात के कपड़ा फैक्ट्री में, केरल के मछली फैक्ट्री में, बम्बई के कोई कपड़ा दुकान में, हैदराबाद के कोई टावर में रहो के ना बताए कि तुम्हारी की जानकारी ना आई तो तौर भाई ना आयो तो बगल के ककरो भाई है। हर एक गांव में चाहे डुमरी प्रखंड रहे, चाहे पीरचाड़ प्रखंड रहे, चाहे कोपचाची प्रखंड रहे या नवाडी रहे, चाहे बिशुनगढ़ बगोदर रहे, हथिन की ना यानी हमी के भाई, हमने के भतीजा, हमने के काका जटा 10,000 नौकरी खातिर, 12,000 नौकरी खातिर प्रदेश चाहते, विदेश चाहते, और यह प्रदेश के आदमी झारखंड राज्य में हमने के हिस्सा के नौकरी जाओ उगला 20 लाख दे के, 22 लाख दे के, 25 लाख दे के किने के काम कर रहा। इसलिए आज समझे आपको, अगर आज नहीं समझवा तो आने वाले 20 साल बाद हमें बहुत नुकसान भेटो। इसलिए आज उस सरकार के खिलाफ वोट करना हो, उस विधायक सांसद के खिलाफ वोट करना हो जेकर मुद्दा के सामने चुपचाप तमाशा बन के रहो, जेकर मुद्दा पे बात नहीं कर रहा हो। और एक बात कह ले, सरकार पूरा 5 साल की कर लो नौकरी बेच लो, जे नौकरी है डॉक्टर के नौकरी है तो हटो बेच लो, वकील के नौकरी है तो सेटो बेच लो, इंजीनियर के नौकरी है सेटो बेच लो। जब 5 साल सारा नौकरी बेच दिलाए तो अगर समझ में ले आपको वोट के टाइम है, नौकरी तो हम 20-22 लाख में झारखंड के लड़का लड़की के बेच चुका लिए, अब भोटवा कैसे लगाए? तो आप कहलाए कि मैया सम्मान योजना लेके आते हैं, इन लोग को बोका बनाते हैं, फिर वोट ले लेंगे।